हुकूमत और इत्तेहादियों में अख्तलाफात, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में कुर्बतें बढ़ने लगीं। स्पीकर परवेज इलाही का इस्तेहकाक, PAC 2 में वापसी का मशवरा, नून लीग का कमेटियों में वापसी पर गौर। लीगी अरकान की अक्सरियत इस्तेहकाक कमेटियों में वापसी की हामी, हतमी फैसला ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुशावरत के बाद होगा। काफ लीग का रवां हफ्ते दोबारा इजलास बुलाने का फैसला। काफ लीग और हुकूमत के दरमियान तहरीरी मुआहदे के नकाद भी सामने आ गए। तरक्याती फंड्स और काफ लीग के अरकान को बाख्तियार बनाना मुआहदे में शामिल। इत्तेहादी हुकूमत के मामलात, वजीर आजम की कायम करदा कमेटी का चौधरी बरादरान से राबता। वफाकी वजीर शफकत महमूद आज चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात करेंगे। शफकत महमूद ने काफ लीग की क़यादत के साथ राबते की तस्दीक कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस की तहकीकात, लीगी MNA रौना सनाउल्ला की नैब लाहौर में पेश होने से माजरत। साबिक सूबाई वजीर कानून के वकील मुतलका रिकॉर्ड लेकर नैब ऑफिस में पेश। ट्रैफिक कवानीन से आगाही, ट्रैफिक पुलिस का माल रोड पर आगाही कैंप कायम। हादसों से बचाव के लिए 50 वार्डन्स पर मुश्तमिल 25 दस्तों की ड्यूटियां लग गई। स्पेशल स्क्वाड लेन लाइन स्टॉप और वन वे की खिलाफवर्जी पर आगाही देगा। 10 फरवरी के बाद खिलाफवर्जी पर चालान कटेगा।